नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आप उत्तर प्रदेश के बहुत कद्दावर नेताओं में से एक हैं, बहुत जुझारू और जिनका संगठन पे, जिनका धरातल पे बहुत पकड़ है, तो ऐसे में आप अपने संगठन को किस तरह से विस्तार दे रहे हैं 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, मैंने 75 जिलों में अपना संगठन तैयार किया है। हमारे 75 जिलों में जिला पार्टी संगठन तैयार हो चुका है। अब हम विधानसभा 403 विधानसभा का संगठन करने की तैयारी में हैं और लगभग तैयार भी हो चुका है। अब हमें केवल प्रत्याशी चयनित करना है। पिछले चुनाव में आपको एक अनुभव रहा, पिछले चुनाव में हालांकि तुरंत आपकी पार्टी बनी थी और उसके बाद चुनाव में जाना पड़ा, बहुत ज्यादा कुछ सफलता नहीं मिली, ये कह सकते हैं नई पार्टी थी। इस बार आपने बहुत मेहनत की है, मुझे लग रहा है जिले जिले के कई कई बार दौरे किए हैं, तो इस बार क्या आपको लगता है कि इस बार आपकी पार्टी कुछ अच्छा करेगी? देखिए, मेरा प्रयास है कि 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में रहे और निश्चित है कि हम 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इसे मद्देनजर रखते हुए हमने अपना 403 विधानसभा में संगठन की तैयारी पूरी कर ली है। अभी कुछ गठबंधन पे चर्चा हो रही है, छोटे दलों के नेता अभी ओवैसी जी से भी आपकी मुलाकात हुई, बाहर जिलों के दौरे पर रहे, उसकी बड़ी चर्चा है, क्या ओवैसी जी से आपकी कुछ बातचीत हुई है, कुछ गठबंधन पे चर्चा कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने एक साल पहले लगभग मैंने नारा दिया था गैर भाजपा बात, अगर भाजपा को हटाना है तो छोटे बड़े दल और समान विचारधारा के दल एक हो जाएं, समान विचारधारा के और सेकुलर पार्टियां एक हो जाएं तो आसानी होगी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। मैंने प्रयास किया है इस पर, तो कहीं कहीं बात हमारी हुई है और कहीं कहीं से अभी कोई जवाब आया नहीं। भाजपा के नेता हैं थोड़ा राजभर जी, उनसे भी शायद आपकी बातचीत हो रही है, चल रही है, क्या उनसे कुछ बातचीत आपकी तय हुई है? देखिए, अभी तय तो नहीं हुई है, मुलाकातें जरूर हुई हैं। अभी तय तो नहीं हो पाया है, लेकिन मुलाकातें हुई हैं। अच्छी स्टेप ले लेगा, मतलब कुछ अब ये देखिए, अभी तो टाइम है, अभी टाइम है, अभी जिला पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं, ग्राम सभाओं के चुनाव चल रहे हैं, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव चलेगा, जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव चलेगा, इसके बाद इस पर चर्चा होगी, बातचीत करेंगे। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा के जितनी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, वो एक हो जाएं, अलायंस करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम कामयाब हों। अभी ब्लॉक प्रमुखों के और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, क्या उसके लिए आप संबल देने जा रहे हैं अपनी पार्टी के, अपने प्रत्याशी उतारे हुए? देखिए, इसमें संबल नहीं दिया जाता है, जिला पंचायतों के चुनाव में, ग्राम सभा चुनाव में किसी भी पार्टी का संबल नहीं होता है, ये तो जनरल सदस्यों के चुनाव में नहीं होता है, लेकिन जब अध्यक्ष का चुनाव होगा तब संबल पे पार्टियां जाएंगी। देखिए, जब होगा तो फिर देखेंगे, विचार करेंगे उस पर, उस पर विचार करेंगे। तो आपने अभी बात कही कि जो समान विचारधारा के दल हैं उनको एक होना चाहिए, तो उस दल, उस विचारधारा में समाजवादी पार्टी भी आती है, तो आप उनके साथ भी एक होना चाहेंगे? देखिए, हमें अलायंस करना चाहेंगे जी। मैंने अलायंस के लिए कहा है, कई बार प्रयास किया है, लेकिन समान विचारधारा के तरफ से जितने भी हैं, अभी मैंने जो कहा कि अभी जवाब नहीं आया है, लेकिन मैंने तो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी भी है उसमें। एक बात है, सभी लोग जानते हैं कि संगठन बनाने में आपका कोई तोड़ नहीं है, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में या कार्यकर्ताओं में पकड़ में आपका नाम लिया जाता है, तो अब ये एक तरह की आपकी परीक्षा नहीं है कि इस पार्टी में भी अब संगठन को इस लेवल पे लेके आए कि आप सत्ता को, जो भाजपा है उसको चुनौती दे और सत्ता में आए, क्या आपकी परीक्षा नहीं है?
अब देखिए हमारी नई पार्टी है अभी, वैसे तो मैंने देखिए समाजवादी पार्टी में और नेताजी के साथ और बहुत से समाजवादियों के साथ, लोहिया जी के बाद से ज्ञानेश्वर मिश्रा से लेकर राम नारायण जी से लेकर के बाबू कपिल देव सिंह से रहकर मोहन सिंह से लेकर के नेताजी से लेकर के उनके साथ काम किया है। तो देखिए वो विचारों की पार्टी थी, एक आंदोलन था। तो देखिए उस आंदोलन पे जो था चले सब लोग जी। तब तो समाजवाद है। आपके परिवार में अभी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि एका हो, हम सब साथ में हो? अपर्णा जी से भी मेरे कुछ दिन पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सब लोग एक हो जाएं। नेता जी का भी अभी हालांकि उनकी बीमारी और ये सब चीजें अलग रहती है, फिर भी वो भी ये चाहते होंगे कि एक हो। आप क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं, कोई झगड़ा तो है नहीं परिवार में, हम भी चाहते हैं एक हो जाए। लेकिन हमने जहां तक देखा है बहुत से परिवार, कहीं न कहीं परिवारों में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, महाभारत क्यों हुआ था, कौरव और पांडव शकुनी था उसमें, उसमें कोई न कोई शकुनी पैदा होते हैं। जब परिवार में शकुनी जैसे लोग पैदा हो जाएं, वो नहीं होने देते, उनसे सावधान रहना चाहिए, उनसे सावधान रहने की जरूरत होती है ना। आज भी नुकसान किसका, मेरा थोड़े नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। मुझे तो कई पार्टियों के ऑफर मिले थे, मैंने स्वीकार नहीं किए, लेकिन मैंने सोचा था कि भाई हमने समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ काम किया है, बहुत बड़े बड़े समाजवादी नेता रहे, उनके साथ काम किया है, तो हम इसलिए मैंने ये सोचा है, सोचा था। लेकिन चलिए ठीक है, हो जाए तो अच्छा है। हम चाहते हैं कि अलायंस हो, और अगर नहीं होता है तो न कोई हम विकल्प में ढूंढेंगे जी। क्या कांग्रेस से भी कुछ आपसे बातचीत है? आप चाहते हैं कि कांग्रेस से समझौता? अब ये सब निर्णय हम अभी नहीं, अभी कोई इस पर विचार नहीं लेंगे। अब ये जिला पंचायतों के चुनाव हो जाएं, अभी समय है, अभी और भी 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहा है, इनका भी रिजल्ट आना है, फिर उनके बाद फिर सोचेंगे। तो आपकी पार्टी जो प्रत्याशी चयन और इन सब चीजों का काम कब से शुरू कर देगी या चल रहा है? हमने शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया है। हमारे पास कई प्रार्थना पत्र आ चुके हैं, अब उन पर हमें चुनाव के बाद, ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद हम बैठेंगे। हाँ, हमारे पार्टी के लोग बैठेंगे, जो हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है वो निर्णय लेगा, और लेने के बाद उसका काम किया जाएगा। अभी तो समय है, काफी समय है। ये थे शिवपाल सिंह यादव जी, जो बता रहे थे कि उनकी पार्टी की तैयारियां कैसी हैं। कैमरामैन धीरे के साथ आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।